प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात के दौरे पर हैं। यहाँ प्रधानमंत्री अहमदाबाद में अमूल फेडरेशन के स्वर्ण जयंती कार्यक्रम में शामिल हुए। उन्होंने अमूल डेयरी की 50 साल की यात्रा पर बनी डॉक्यूमेंट्री देखी और डेयरी के ऑटोमेटिक प्लांट का उद्घाटन किया। इसके बाद पीएम महिसाणा के लिए रवाना हुए, जहाँ उन्होंने महिसाणा के वालीनाथ महादेव मंदिर में पूजा अर्चना कर शिवलिंग की प्राण प्रतिष्ठा की। इस बीच प्रधानमंत्री मोदी ने कांग्रेस पार्टी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने विकास और विरासत के बीच टकराव पैदा किया है, लेकिन हम अपने देश की भव्य विरासत पर भी काम कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। प्रभु राम लला के विग्रह की प्राण प्रतिष्ठा के ऐतिहासिक आयोजन में शामिल होने का सौभाग्य मिला। इसके बाद 14 फरवरी वसंत पंचमी को अबू धाबी में खाड़ी देशों के पहले हिंदू मंदिर का लोकार्पण का अवसर मिला और अभी 2-3 दिन पहले ही मुझे यूपी के संबल में कल्कि धाम के शिलान्यास का भी मौका मिला और आज मुझे यहां तरफ में इस भव्य दिव्य मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा के बाद पूजा करने का समारोह में हिस्सा लेने का सौभाग्य प्राप्त हुआ।